हम आपके हैं किन्नौर। जीजा जी ऐसे हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं? और यार दामू, मैं ना स्कूटर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, बिना स्कूटर के स्कूटर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हो? कमाल हो आप तो। ओहो, हेलमेट तो है ना। हाँ। ओ, आप देखना, पापा ही ना मुझे गुलशन के जैसे चमचमाता हुआ स्कूटर ला के देंगे। और मुझे मिलेगा चमचमाता हुआ डायमंड सेट। ओ कर्नल पापा ही भी आ गए। क्या हुआ भाई साहब, आप चुपके चुपके आए और खामोशी की हीरोइन की तरह चुपचाप बैठ गए? भैया मेरे, इस अनोखी घड़ी में कोई उलझन हो तो मुझे बताओ, मैं हूं ना। फिल्मों का नाम ले लेके बात करना बंद करो और चुपचाप बैठो। आल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? समधी जी, थैंक यू। बेबी जी, थैंक यू किस बात का? चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि आज आपने मेरी तरफ से माता रानी के मंदिर में देसी घी का दिया जलाया। Well, yes. डैडी, आप कितने अच्छे हो। समधी जी, आज आप कुछ परेशान? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। मम्मी जी, कर्नल पापा ही को ना सर में दर्द नहीं हो रहा, ये ना नाराज है। नाराज? पप्पू जी, नाराज होने का शौक तो आपको है ना? नहीं, वो तो है, लेकिन आज ये नाराज। लेकिन क्यों? और ये पापा ही की लॉटरी निकलने की खुशी में मुझे चमचमाता हुआ स्कूटर मिल रहा है, बोलो हाँ कि ना। हाँ। भाई निक्की को डायमंड नेकलेस मिल रहा है, बोलो हाँ कि ना। हाँ। भाई मिट्टू और बिट्टू को स्मार्टफोन मिल रहा है, बोलो हाँ कि ना। हाँ भाई हाँ, लेकिन ये सब क्यों? ओहो मम्मी जी, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन कर्नल पापा ही को कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ना ये नाराज है। पप्पू जी। ओहो पापा ही। समधी जी, मैं कुछ कहूं आप बुरा ना माने तो? समधन जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं, हम आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानते, कहिए जो कहना। वो पंडित जी की लॉटरी निकली है, इस खुशी में मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ, प्लीज आप भी बताइए ना आपको क्या चाहिए। हाँ जी, समधन जी, अपनी डिमांड बताने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे कहिए ना समधी जी। दरअसल वो लॉटरी का टिकट पंडित जी ने नहीं, हमने खरीदा था, और इसमें हमारा हक है। अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो हमें वो लॉटरी का टिकट दे दीजिए। पापा जी, डैडी मजाक के मूड में नहीं लग रहे थे। पंडित जी, वैसे समधी जी की बात भी ठीक ही है ना, वो टिकट भी तो उन्होंने ही खरीदा था ना। बेबी जी, माना कि वो टिकट कर्नल साहब ने खरीदा था, लेकिन अपने लिए नहीं, हमारे लिए। आज जब 20 लाख का इनाम निकला है तो वो अपना हक जता रहा है। देखिए बेबी जी, पाप करके भी स्वर्ग की चाह रखना और पराये धन पे नजर रखना अच्छी बात नहीं है। बोल साचे दरबार की जय। पापा जी, मैं नाराज हूँ। अरे आप क्यों नाराज है दामाद जी, नाराज तो हमें होना चाहिए। पापा जी, कर्नल पापा जी का भी टिकट पर उतना ही हक है जितना कि आपका। देखिए दामाद जी, पत्ता मांगने पे पान देना और अपने से बड़ों को ज्ञान देना मूर्खता होती है, समझे? बोल साचे दरबार की जय।
वाह पापाई वाह, आज अपनी बात से पलटी मार रहे हैं, हैं? उस दिन तो कर्नल पापाई को आपने कहा था कि तंत औलाद जो है वो आनी जानी चीज है, पर रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं, और आज आप ही देखे दामाद जी, ये हमारी किस्मत का धन है जो महाराज धूमकेतु की वजह से हमारे पास आया है। इसलिए कह दो कर्नल साहब से जाकर कि हम उन्हें एक अच्छा सा कोट पैंट सिलवा देंगे और साथ में देंगे एक टाई, इसके अलावा नहीं देंगे एक भी पाई, क्योंकि शुभ कार्य में अड़ंगा डालना और नाजुक रिश्तों में पंगा डालना अच्छी बात नहीं है। बहुत साथे दरबार की जय। कर्नल पापाई को देंगे कोट पैंट और टाई, जबकि टिकट उनकी वजह से है आई। बोल साचे दरबार की। मम्मी जी वो मेरे को लगता है कर्नल पापाई का कोई पुर्जा जो है ना वो हिल गया। कैसे? देख नहीं रहे हो? और हम सबके चेहरे जो है मूली के पत्तों की तरह लटके हुए हैं, और इनको देखो ठाके मार मार के हंस रहे हैं। मैं नाराज हूं दामू, ये समझी जी इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? मम्मी जी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, शायद सूट की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा है। ओ यार बंदा जो है वो गुस्से में हंसता थोड़ी ना है। कौन है? मैं एक बार कहूं, जिस तरह से अंकल हंस रहे ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदूक चला दे टिक्किया? ओए तू गए। भाई साहब का कोई एतबार नहीं, ये कभी भी वतन के रखवाले से बन सकते हैं सरफरोश। कसम पैदा करने वाले की, अच्छा इसी में होगा कि हम सब रहें खामोश। हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पागलों की तरह क्यों हंस रहा हूं, राइट? मैं आप लोगों के भोलेपन पे हंस रहा हूं। समधी जी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूं आपको समधन जी, ये मैंने आपके साथ मजाक किया था भगवत सिंह। मजाक? हाँ हाँ मजाक। ना तो हमें संधि जी का लॉटरी का टिकट चाहिए और ना ही उनका एक भी पैसा, पर समधन जी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनसे इतना कह दीजिएगा कि हमारा जो सूट है ना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आखिर हम भी एक लखपति की संधि हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। ओ पापा जी आपने तो जान ही कट ली थी यार। माय एंजल। दामू मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब वर्ल्ड टूर पे जाएं? हाँ मम्मी जी बड़ा मजा आएगा, सच में कहती हूँ वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, गोवा शिमला मनाली है ना। ओहो दीदी शिमला मनाली गोवा तो इंडिया में है। तो क्या हुआ? चलेंगे कहीं पे भी चलेंगे, लेकिन वर्ल्ड टूर पे ही चलेंगे है ना मम्मी जी। अब कहाँ पे हो मम्मी जी? ओहो आप यहाँ पे बैठे हुए हो और मैं आपको उस कार में ढूंढ रहा हूँ है। जीजा जी क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। ओ भाई दामू आज मैंने काम ही ऐसा किया है बड़ी खुशी वाला। भगवान दामा जी अब आप क्या कर आए? और निकी तू हंस मत, और मम्मी जी आप घबराओ मत, और मैंने ऐसा काम किया, ऐसा खुशी वाला काम किया है कि जिसे सुन के आप सबने भी खुश हो जाना है। चीजा जी बताइए तो सही। भाई ये बात जो है वो आपको कल के न्यूज़पेपर में यानी कि अखबार में पढ़ के पता चलेगा।
कल का अखबार। चाय का मसाला अगली बार थोड़ा और ज्यादा लाना। अरे संदन जी, पंडित जी, जल्दी बैलकनी में आइए। कर्नल अंकल कहीं फिर से लॉटरी के टिकट तो नहीं मांगने आ गए? अरे हमने कहा संदन जी, पंडित जी, बैलकनी में आइए। दामू बेटा, तुम भी बैलकनी में आओ। आते हैं संदन जी, आते हैं, बस चल चल चल। अरे कहीं लॉटरी के टिकट। बेबी जी, पंडित जी को बुलाइए जल्दी। जी समधी जी, वो तो सुबह ही किसी के यहाँ पर पूजा करवाने गए हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? लगता है आपने आज की सुबह की गुड न्यूज नहीं देखी। गुड न्यूज? यस। ओहो मम्मी जी, डैडी इसकी बात कर रहे हैं। अखबार? यस। मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी जी एक मिनट बिट्टू। मम्मी जी मैं नाराज हूँ। पप्पू जी, कोई तो नई बात बताइए ना प्लीज। ओहो निक्की, आज पहले अखबार देख तू आज का। अच्छा अच्छा मम्मी जी, मैं एक मिनट, अखबार आप भी लेकर आती हूँ। पर आज के अखबार में ऐसा है क्या? ओहो मम्मी जी, आज के अखबार में पापा जी की फोटो छपी है। बधाई बधाई बधाई, देहरादून के ग्रीन होम्स निवासी श्री रोशन लाल ग्रोवर की 20 लाख रुपए की लॉटरी निकली। जी मम्मी, बिट्टू ये देखो। पापा जी, फोटो बहुत अच्छी आई। आई नहीं है, छपवाई है मैंने। तमा जी, पर ये कोई नया अखबार लगता है। देहरादून की गप्पे, पर हमारे यहाँ तो देहरादून आफ्टरनून आता है ना? समझ जी, वही हम सोच रहे थे कि आज हमारे घर में देहरादून गुड आफ्टरनून की जगह देहरादून की गप्पे नाम का अखबार क्यों आ गया और कैसे आ गया। हाँ। और कर्नल पापाई, मैं बताता हूँ। मम्मी जी, मेरा दोस्त रिपोर्टर है इस अखबार का। मैं पापाई की फोटो लेकर गया उसके पास और उसने छाप दी ये खबर। और आज जो है इसीलिए ग्रीन होम्स के घर घर में देहरादून गुड आफ्टरनून की जगह देहरादून की गप्पे वाला अखबार आया है। मम्मी जी एक मिनट, मैं ये अखबार अपने दोस्तों को दिखा के आता हूँ। हमारे पापा जी का क्या चित्र आया है। मम्मी जी, पापा जी अपनी फोटो देख के कितने खुश होंगे ना। भाभी बिल्कुल सही कहा। और यू नो, अगर पापा जी यहाँ पर होते ना तो यही कहते, प्रभु का नाम जपना और अखबार में फोटो छपना बहुत ही अच्छी बात होती है। बोल साचे दरबार की जय। जय जय जूनियर पंडित जी। अरे की टाटा भाई, भाई और कर्नल अंकल अपने दोस्त को दिखा के आ रहा हूँ मैं। अरे भाई जाओ ना, आप चले भी जाओ यार। मैडम क्या बता सकती हैं मिस्टर रोशन लाल ग्रोवर कहाँ रहते हैं? आप लोग कौन? हम लोग अंडरवर्ल्ड से आए हैं। अंडरवर्ल्ड? ओहो, अभी तक तो पापा जी को लॉटरी के पैसे भी नहीं मिले और ये अंडरवर्ल्ड वाले लूटने भी आ गए। समधी जी, आप क्या करें? वाह समधन जी, आप तो हमारा नेचर जानती हैं। ये अंडरवर्ल्ड के हो या ओवर द वर्ल्ड, कर्नल यू आर सेठी डरता किसी से नहीं, इसीलिए हम इनसे भी बात करके आते हैं। वाह भाई ठहरिए, हमारा है। Hands up, both of you. ओ यार ये तो कमाल हो गया है, तुम्हारे डैड ने अंडरवर्ल्ड वालों को एक सेकंड में डरा दिया। डैडी किसके? तुमने क्या सोचा था, तुम हमारे संदीप जी को लूटने आओगे
और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हमारा नाम कर्नल सेठी है, कर्नल यू आर सेठी, और कर्नल यू आर सेठी तुम जैसे अंडरवर्ल्ड वालों को ठीक करना बहुत अच्छी तरह जानता है। अरे कर्नल साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अब हम तुमसे सीखेंगे कि क्या समझना है और कैसे समझना है। हैंड्स अप बोथ ऑफ यू। अंकल जी, उनके हैंड्स अप ही हैं। हैंड्स अप, और ऊपर करो हाथ अपने। फोर्थ अप, कम ऑन बोथ ऑफ यू। नहीं सर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं हो सकते सर। नहीं, हाथ ऊपर करो। डैडी, ये लोग सर मतलब हेड वाला सर नहीं बोल रहे, ये लोग सर मतलब सर जॉन, सर कर्नल यू आर सिटी वाला ऐसा है। हम जानते हैं। चुपचाप चले जाओ यहाँ से और जाके अपने बॉसेस से कह देना कि ग्रीन होम्स वाले अंडरवर्ल्ड वालों से डरते नहीं, समझे? कम ऑन, मूव, कम ऑन, भागो। हमारा घर है, हमारा, that's my house, that's my damn house. Sorry. Halt! About done. That's like a good boy. Take your mark, both of you. Come on, hands up, keep your hands up. हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से। ओए वाह जी वाह, माल को पहुंच गए आप। और ये आप दोनों ने हाथ क्यों ऊपर किए हुए हैं? ओ भाई, हाथ नीचे करो, हैंड्स शेक करो भाई। हैंड्स अप बाबूजी, हैंड्स अप, कम ऑन। बाबूजी, हमें नहीं पता था कि आपके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड वालों से है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.